भारत में ऐसी कई हॉन्टेड जगहें हैं जहां कोई भूलकर भी जाने की कोशिश नहीं करता। यह स्थान अपने भूतिया प्रसंगों को लेकर देश दुनिया में काफ़ी लोकप्रिय हैं। इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं ब्रिज भवन के बारे में। यह राजस्थान के कोटा शहर में स्थित है। यह अंग्रेजों के समय की हवेली थी जिसे अब होटल के रूप में बदल दिया गया है। आज इसका नाम राजस्थान के मशहूर होटलों में गिना जाता है। देश दुनिया के कई लोग यहाँ पर आकर ठहरते हैं। इस होटल में ठहरने वाले लोगों की माने तो यहाँ पर किसी चीज़ का साया है। होटल में रुके कई पर्यटकों ने तो यह कहा है कि वे होटल के भीतर रुके थे, उस दौरान उनमें से कई लोगों ने आंटों को महसूस किया है या किसी आत्मा से जुड़ी घटनाओं को देखा है। कहा जाता है कि ब्रिज भवन होटल में एक अंग्रेज की आत्मा भी वास करती है। इस अंग्रेज को कई सालों पहले उसके दो बच्चों के साथ इसी स्थान पर मारा गया था। ब्रिज भवन का एक अपना रहस्यमय इतिहास है जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सन 1857 के आसपास ब्रिज भवन का निर्माण चंबल नदी के पास किया गया था। उस दौरान हिंदू मुस्लिम में काफ़ी विवाद हुआ करते थे। ब्रिटिश सरकार इसका फ़ायदा उठाते हुए हिंदुओं के मंदिर के बाहर गौ मांस और मस्जिदों के सामने सुअर का मांस फिकवा देती थी। इसमें हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई बढ़ जाती थी जिसका फ़ायदा ब्रिटिश सरकार को मिलता था। हल्कि 1857 में भारतीय सैनिकों के बीच ये अफवाह फैली कि उनकी बंदूकों में गौ मांस और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे सेना भड़क गई और उन्होंने एकजुट होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह को छेड़ दिया। कहा जाता है कि विद्रोह जब शुरू हुआ तो उस दौरान मेजर चार्ल्स बर्टन और उनके दो जुड़वा बच्चे ब्रिज भवन कोटा रेजिडेंस में ही रहा करते थे। विद्रोह के समय सिपाहियों ने चारों तरफ से भवन को घेर लिया और अंदर घुसकर मेजर चार्ल्स बर्टन और उनके बेटों को चाकू से मारकर हत्या कर दी। कहा जाता है तभी से मेजर की आत्मा इस भवन में भटक रही है और उनकी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली है। कोटा की पूर्व महारानी ने इस बात का दावा किया है कि उन्होंने अपने ड्रॉइंग रूम में कई बार मेजर चार्ल्स बर्टन के भूत को देखा है। महारानी के मुताबिक मेजर की आत्मा ने उनको कभी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। आपको बता दें कि ब्रिज भवन अब कोटा स्टेट गेस्ट हाउस बन गया है। यहां पर काम करने वाले लोगों के मुताबिक होटल की गैलरी में अक्सर किसी के टहलने की आवाज़ आती है। अगर कोई रात में छत पर बने बगीचे में जाने की कोशिश करता है तो उसको मेजर का भूत जोरदार थप्पड़ मारता है। हालांकि कर्मचारियों ने इस बात में कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता। इसके अलावा एक और कहानी है कि मेजर चार्ल्स बर्टन इतने ज़्यादा अनुशासित थे कि आज भी अगर उनका भूत ड्यूटी के समय गार्ड को सोता हुआ देखता है तो उसे गाल पर थप्पड़ रसीद कर देता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।